जाएंगे भाई। शिक्षा फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। संस्कृति मॉडल स्कूलों में हिंदी माध्यम लागू करो, लागू करो। संस्कृति मॉडल स्कूलों में लागू नियमों को रद्द करो। अरे भाई काम देखना शुरू कर चुके हो, जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार, जिंदाबाद मुर्दाबाद मोदी खट्टर सरकार। चौथी से को समाप्त किया गया है उसके लिए राजेश थोड़ा बताएंगे किस बारे में। ग्यारह अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक एमएसपी संवैधानिक दिवस मनाने का, प्रदर्शन धरने करने का और हमारी मांग को पॉपुलर करने के लिए एक सप्ताह का अभियान है। जगह जगह विचार गोष्ठियां, मीटिंगें, धरना प्रदर्शन करके हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए और किसानों के विरोध में जो मुकदमे थे रेलवे के और नेशनल हाईवे के उनका अभी तक रद्द करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया है, कोई स्वीकृति नहीं आई है। वो स्वीकृति दी जाए, वो मुकदमे रद्द किए जाएं और लखीमपुर खीरी के जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उन शहीदों की को जो ने की हत्या करने वाले जो लोग थे उनको पूरी सज़ा दी जाए और केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री है मिश्रा टैणी उसको हटाया जाए और उसकी जमानत रद्द की जाए जो आशीष मिश्रा है। इन मांगों को लेके आज पूरे देश में ये किसान मोर्चा जगह जगह प्रदर्शन अभियान कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो स्थानीय मांग है हमारी जो मॉडल संस्कृति स्कूल हरियाणा सरकार ने जो बनाए हैं उनमें वो अकेली अंग्रेजी लागू कर रही है, हिंदी मीडियम लागू नहीं किया जा रहा, जबकि नई शिक्षा नीति में हमारी जो मातृभाषा है उसका विकास करने की बात ये कर रहे थे और उसको इग्नोर करके ये एकतरफा तौर पर ये जो ना अंग्रेजी थोप रहे हैं यहाँ के बच्चों के। और दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि गवर्नमेंट स्कूलों से ही ये मॉडल संस्कृति स्कूल डेवलप किए गए थे, वही सेटअप है, वही सारी चीज जो चीज़ें हैं वही हैं, लेकिन फीस 500 से 1000 तक कर दी गई है। आम बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा, इसलिए उसकी फीस घटाई जाए और तमाम स्कूलों की व्यवस्था हो, अध्यापक हों और पढ़ाने की जो है सभी सब्जेक्ट हों और उनकी फीस जो है वो कम की जाए। ये हमारी मांग आज हमने जो है यहाँ के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है किसान मोर्चा ने, ये हमने मांग की है। मोर्चा और तमाम संगठनों ने मिलके आज जो बीजेपी ने जो शिक्षा नीति बनाई है एक ढकोसला पैदा कर दिया कि मॉडल स्कूल बना दिए जाएँ, उसके अंदर जो फीस बढ़ा दी गई है वो फीस भी बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल की और गवर्नमेंट स्कूल की फीस में ज़्यादा अंतर नहीं है। और दूसरा जो हमारे गांव के बच्चे हैं इनमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है, जो गांव के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में नहीं गए हैं ये जो प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हम सब ने मांग करी है कि इसको सरकारी फीस के बराबर इस फीस रखी जाए, जो 1000 या 1500 रुपये रखी है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो मिनिमम फीस है वो रखनी चाहिए। दूसरा दोनों भाषा का, हिंदी का और अंग्रेजी दोनों भाषा का, जो हिंदी पढ़ना चाहता है हिंदी पढ़े, जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहता है अंग्रेजी पढ़े, ये व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी मांग करी है। और ये तमाम साथी जो हमारे नौजवान साथी हैं और जितने भी उन सब ने ये बात उठाई है और जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे।